हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हम सब तो बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आप भी परिवार से ही ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ खुशियाँ आए। तो जी, भागवत चल रही है मंदिर में और मैं जा रही हूँ भागवत में। हम अपने प्राणों को नहीं धारण कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। इसके बिना हम एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते। हमारे शरीर अलग अलग है, लेकिन प्राण हमारे एक ही है। अक्रूर एक ही है और तुरंत प्रभाव जी ने तुरंत रोक दिया। प्रभाव जी ने कहा कि अक्रूर तो अक्रूर नहीं हो, तो सचमुच के ही क्रूर हो। तुमने एक बार भी हमारे विषय में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं तुमने जाना। और उसी क्षण उसी समय अक्रूर जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन आज वो भी हम मानने को तैयार भी नहीं थे। आज ये सोचा भैया कह रही थी कि भैया समझाओ ना लाला को कि वो हमें छोड़ करके ले जाए। और उसी समय राधा रानी को पता चला और राधा रानी तुरंत वहां पर आई है और कृष्ण को राधे 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 राधे
जाकर के और माँ से कहा कि माँ आपके चरणों में इनकी ही प्रार्थना है। मंदिर के बाहर आकर के खड़ी हुई है और लोगों से सावली सलोनी सूरत कन्हैया आता दिखाई दिया। अब भगवान कृष्ण यहाँ पर आ जाए और जब भगवान कृष्ण को देखा तो रुक्मणी मन ही मन में प्रसन्न होने लगी है, मन ही मन आनंदित होने लगी है, प्रसन्न चित्त होने लगी है और जितने भी मिलिट्री के लोग थे सब ने कृष्ण की छवि को निहारा, कृष्ण की छवि को देखा और सभी लोग देख करके उसके रूप रमने को सारे लड़ना भूल गए। सब कोई भगवान के पितामह को देख रहा है, कोई मुकुट को देख रहा है, कोई भगवान के मुख की तरफ देख रहा है। रुक्मणी को रथ के ऊपर बिठाया है, एक बार जोरदार ताली सेवा करके भगवान कृष्ण और वहां पर रुक्मणी ने जैसे ही पता चला तो वहां पर बहुत घमासान युद्ध हुआ है और रुक्मणी को परास्त किया है और बदलाव भी वहां पर आ गए थे और रुक्मणी को मेरे प्रभु लेकर के द्वारिका में पहुंचे हैं और जितने भी गोपाल थे राधा रानी थी यशोदा मैया थी नंद राय जी थे सबको विवाह के अंदर सम्मिलित हुआ है। सभी लोग वहाँ पर आज विवाह उत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं, सारे देवता गंधर्व किन्नर सब वहाँ पर आए हैं और हमारे बीच में भी भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी। अब वरमाला होगी, आप सभी वरमाला का आनंद लीजिए। पहले रुक्मणी माता पहनाएंगे, एक बार जोरदार ताली से बात करेंगे। अब कृष्ण भगवान कृष्ण रुक्मणी की शादी हो रही है आज। कन्यादान चल रहा है। ओम
रस बिहारी लाल की जय।